कि नए भारत में सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, बिना भेदभाव के शासन की योजना से जोड़ने का अभियान भी है, आपकी आस्था का सम्मान भी है, बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी ब्याह तक योग्य बनने तक उसके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं, नौजवानों के लिए नौकरी है, रोजगार है, निवेश है, ढेर सारी चीजें उनके लिए भी है, अन्नदाता किसान के लिए भी ढेर सारी योजनाएं हैं। आज विकास के लिए लोगों को जाना नहीं पड़ता, हर घर नल की योजना भी उनके यहां आ रही है और बिजली भी हर घर तक पहुंच गई है, रसोई गैस का कनेक्शन भी हर घर तक पहुंच चुका है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन अच्छे का श्रेय मोदी जी को तो जाता ही है, लेकिन उससे ज्यादा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि मोदी जी को 2014 में एक वोट देकर के आपने चुन करके भेजा। जो मोदी जी को आपने एक वोट दिया, उस वोट के कारण आज मोदी जी ने देश के अंदर एक नया चमत्कार कर दिया, एक नए भारत का निर्माण कर दिया। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं आपके पास आज कहने के लिए, आज जो नामांकन का जुलूस है इसमें दो बातें कहने के लिए आया हूं। एक तो ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं, ये चुनाव केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं बनना है, ये चुनाव हमारे लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत निर्माण का चुनाव है। हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत, आत्मनिर्भर का मतलब एक ऐसा भारत जिसमें नौजवान आत्मनिर्भर होगा, महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, किसान आत्मनिर्भर होगा, व्यापारी आत्मनिर्भर होगा, श्रमिक आत्मनिर्भर होगा, हर तरह का आत्मनिर्भर होगा, उसको दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। उस नए भारत के लिए, उस आत्मनिर्भर भारत के लिए जो आने वाली पीढ़ी के लिए विकसित भारत का रूप ले सके, इसके लिए हमें इस चुनाव में भागीदार बनना है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है।